न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दो ट्रेनों से कुल 2129 मजदूर व उनके परिजन पहुंचे गोरखपुर रेलवे स्टेशन। मेडिकल चेकअप के बाद रोडवेज की बसों से भेजा गया उनके गंतव्य तक। यात्रियों ने दिया सीएम योगी को धन्यवाद। स्टेशन पर तैनात रहे वरिष्ठ अधिकारी, सुरक्षा के रहे व्यापक इंतजाम। लॉकडाउन के तीसरे चरण में डीएम के विजेंद्र पांडियन के निर्देश पर खुली शराब की दुकान, खरीदारों की लगी लंबी लाइन। डीआईजी रेंज ने लिया स्थिति का जायजा, कहा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो शराब की बिक्री। रेलवे चिकित्सालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का सोमवार को कमिश्नर, डीएम, एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने किया निरीक्षण, कहा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रहे सतर्क, ना होने पाए कोई चूक। डीएम और एसएसपी ने लिया महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में लॉकडाउन की स्थिति का जायजा। बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों के वाहन का किया गया चालान, शराब की दुकानों को भी किया गया चेक, कहा सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ही बेचे शराब, नहीं तो होगी दुकान सील। प्रदेश के प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा में ई लर्निंग व्यवस्था पर और यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पर की चर्चा, कहा सिर्फ ग्रीन जोन में ही होगा कापियों का मूल्यांकन। मंडल आयुक्त ने किया तहसील परिसर में स्थित कम्युनिटी किचन का निरीक्षण, साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता की तारीफ, निरीक्षण पुस्तिका में अपने मंतव्य को भी किया अंकित। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र के सभी 10 थाना क्षेत्रों में किया गया फ्लैग मार्च, निकाली गई बाइक रैली। फ्लैग मार्च कर एसपी साउथ ने आम जनमानस से घर में रहने की अपील, कहा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमुख सचिव स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ने कोरोना वायरस की चुनौतियों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 5 मई से शुरू होने वाले यूपी बोर्ड के उत्तर पुस्तिकाओं का सिर्फ ग्रीन जोन में होगा मूल्यांकन, संयुक्त शिक्षा निदेशक ने कहा ऑरेंज जोन में आने के कारण जनपद में नहीं शुरू होगा मूल्यांकन कार्य। लॉकडाउन के तीसरे चरण का सख्ती से कराया जा रहा है अनुपालन, एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा बेवजह सड़कों पर घूमने निकले वाले व्यक्तियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में की जा रही है विधिक कार्रवाई। महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह और उनकी टीम ने बासफोर समुदाय के लोगों के मध्य किया भोजन एवं मास्क का वितरण, किया कोविड-19 के प्रति जागरूक। और लॉकडाउन के तीसरे चरण में सोमवार को महानगर की सभी सड़कों पर दिखा चहल पहल, शहर में अनावश्यक घूमने वालों को एक एक मीटर की दूरी के घेरे में बैठाकर दी गई सजा।